अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पीएमएनसी 2022 से रिलेटेड कुछ लीक्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी लीक्स जिनको जानकर आप यकीनन शॉक हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है अगर आप फ्यूचर में ऐसे गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, नेक्स्ट पीएमएनसी से रिलेटेड कुछ लीक्स निकल के आ रही है की ये पीएमएनसी सिर्फ इनवाइटेड टीम्स के लिए होने वाला है और इस पीएमएनसी 2022 में हमें पाकिस्तान की सिर्फ 16 इनवाइटेड टीम्स ही खेलती हुई नजर आने वाली हैं। और गाइज, वो 16 इनवाइटेड टीम्स कौन सी होंगी और किस बेस पर उनको इनवाइट किया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पीएमसीओ साउथ एशिया में पाकिस्तान की सिर्फ 3 टीम्स ही खेल रही थी और उन टीम से रिलेटेड पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि पीएमसीओ साउथ एशिया से पाकिस्तान की 3 टीम्स को पीएमएनसी 2022 की स्लॉट मिलेगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीएमसीओ साउथ एशिया 2022 से पाकिस्तान की किन 3 टीम्स ने पीएमएनसी 2022 के लिए क्वालिफाई किया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्राइम पबजी, फ्लेम्स वन गेमिंग और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास थी द हेल रेजर्स। तो गाइज, ये तो हो गई वो 3 टीम्स जिन्होंने पीएमसीओ साउथ एशिया 2022 से पीएमएनसी 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। मगर इन 3 टीम्स के अलावा पाकिस्तान की 13 टीम्स और कौन सी हैं जिन्हें पीएमएनसी 2022 में इनवाइट किया जाएगा, और मजीद उन 3 टीम्स को इनवाइट किया जाएगा पीएमएनसी 2022 में जिन्होंने पीएमपीएल लास्ट सीजन में फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया था। मतलब पीएमपीएल के लास्ट सीजन में जो टीम टॉप 16 से भी नीचे थी, उन 3 टीम्स को पीएमएनसी 2022 में खेलने का मौका मिलेगा। गाइस, ये तो अभी 6 टीम्स हुई हैं जिनका हमने अभी तक नाम लिया है, और मजीद जो 10 टीम्स रहती हैं जो हमें पीएमएनसी 2022 में खेलती हुई नजर आने वाली हैं, वो हैं लास्ट पीएमएनसी की टॉप 10 टीम्स। और गाइस, ये लास्ट पीएमएनसी की वो 10 टीम्स होंगी जिन्होंने रिसेंट पीएमपीएल पाकिस्तान के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, और जिस टीम ने रिसेंट पीएमपीएल पाकिस्तान के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था उनको पीएमएनसी 2022 का इनवाइट नहीं मिलेगा। जैसा कि आई8 ऑलरेडी पीएमपीएल पाकिस्तान की फाइनलिस्ट है तो आई8 को पीएमएनसी 2022 में इनवाइट नहीं मिलेगा। और बाकी रिसेंट पीएमपीएल पाकिस्तान के फाइनल की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये रही पीएमपीएल पाकिस्तान के फाइनल की लिस्ट, ये वो तमाम टीम्स हैं जो हमें पीएमएनसी 2022 में खेलती हुई दिखाई नहीं देने वाली। और गाइस, कुल मिला के बात ये है कि रिसेंट पीएमपीएल पाकिस्तान में जिन टीम्स ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था वो टीम्स हमें इस पीएमएनसी 2022 में खेलती हुई दिखाई नहीं देने वाली, और यहाँ से जो टॉप 3 या 4 टीम होंगी उन्हें नेक्स्ट पीएमपीएल पाकिस्तान में खेलने का मौका मिलेगा। तो गाइज, इस बार पीएमएनसी 2022 कुछ इस तरह से होने वाला है, मतलब इनवाइटेड होने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास पीएमएनसी 2022 से रिलेटेड बस इतनी सी ही अपडेट थी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।